आज मसाला किचन में बन रही है सर्दियों की खुराक आटे गुड़ की बर्फी। इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए आज बनाया आटे और गुड़ की बर्फी, जिसे खाइए और महीनों तक रखिए। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। तो चलिए देखते हैं इस बर्फी को हमने बनाया कैसे है। ये है मेरे पास गेहूं का आटा और देखिए साथ में रख दिया है मैंने गुड़, जिसे मैंने ग्रेट कर दिया है। 1.5 कटोरी गेहूं का आटा है तो 1.25 कटोरी गुड़ है, और बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट है, अपने मनपसंद डालना चाहें तो डाल दें। खसखस है, खसखस अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, सर्दियों में खसखस बहुत फ़ायदा करती है। और ये है थोड़ा सा गोंद, थोड़ा सा जायफल और थोड़ी सी इलायचियाँ, ये है गोला और ये है खरबूजे के बीज। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके घर में नहीं है या नहीं खाते हैं तो ना डालें, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसमें अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं और बहुत कम भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे बनाएंगे कैसे। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप घी। एक मोटे तले के बर्तन में मैंने डाल दिया पहले आटा। इस आटे में मैंने कुछ नहीं मिलाया, नॉर्मल ये गेहूँ का आटा है 1.5 कप। इसे 1-2 मिनट चलाएं, उसके बाद ही इसमें घी डालें। मैं बना रही हूँ गुड़ आटे की आज बर्फी। आप गुड़ की और कौन सी रेसिपी पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर मैं 1/4 कप घी डाल रही हूँ। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसे पंजीरी टाइप भी खा सकते हैं, इसके लड्डू भी बना सकते हैं, इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा मैश करते करते ही चलाइए। 1/4 कटोरी घी मैं दूसरी डाल रही हूँ, मतलब 1.5 कप अगर आटा होता है तो करीबन 1/4 कप घी डालना चाहिए, पर अभी मैंने कुल मिला के 1/2 कप घी डाल दिया है। इसे थोड़ा भूनेंगे, हमेशा करछी को दबा दबा कर ही भूनते जाइए, जिससे घी बाहर निकलेगा और आटा भी बहुत बढ़िया भुनेगा। अब इसमें हमने 1/2 कप घी डाल दिया है, बाद में हम देखेंगे ज़रूरत पड़े तो। अभी हमें 1/4 घी अलग रखना है, इसी में अभी मिलाना नहीं है। इस आटे को मैं दूसरे गैस पर रख देती हूँ धीरे धीरे भुनने के लिए, तब तक इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर रखा है मैंने एक पैन, जिसमें अभी मैंने घी नहीं डाला है। इसमें मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, उन्हें मैं भून लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, हमें इसे ज़रूर खाने चाहिए। खरबूजे के हों या तरबूज के बीज हमें आराम से ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाते हैं छिले हुए, इन्हें हमेशा हमें सेक कर ही खाना चाहिए। ये थोड़ी देर में सिक जाते हैं और फूल से जाते हैं। ये देखिए गोला, जिसे मैंने पतली पतली स्लाइस कर दिया चिप्स कटर से। ये जो इलायचियाँ हैं इन्हें मैं कूट लेती हूँ। ये देखिए खरबूजे के बीज भुन गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इस पैन में मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। यहाँ डाल रही हूँ कटे हुए बादाम, काजू, अखरोट। ये सारी चॉइस आपके ऊपर है, आप इसमें जितना मन करें उतना ही डालें। अब इस ड्राई फ्रूट को भी हम निकाल लेते हैं। सिका हुआ ड्राई फ्रूट डालने से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है बर्फी में। अब इसी घी में हम जो गोले की स्लाइस कर रखी है उन्हें भी हम सेक लेते हैं। इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास ये स्लाइस ना हो तो 2-3 चम्मच नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, उसे बिना सेके भी डाल सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ घी है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है गोंद। गोंद को हमें स्लो गैस पर धीरे धीरे सेकना है पूरा फूलने तक। कम से कम 3-4-5 मिनट लग जाते हैं, पर इसे सेकना बहुत ज़रूरी है, वरना दांतों में लगता है वो फिर स्वाद खराब हो जाता है। ये फूल कर इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि हाथों से टूटने लगे। गोंद हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, उसके लिए गोंद बहुत ही फायदा करता है। इस मिठाई को, इस बर्फी को आप नई माँ, न्यू मदर को भी खिला सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही फायदे वाली चीज़ें हैं। जिसे भी जोड़ों का दर्द हो उन्हें भी आप खिलाइए। देखिए गोंद काफ़ी अच्छे से फूल गई है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब ये जो घी बचा हुआ है थोड़ा सा, इसी में मैं खसखस को भून लेती हूँ। इसी खसखस से मैंने अभी आपको एक हलवे की रेसिपी भी दी है, वो आप लोगों में से किस किस ने बनाया, कैसा बना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ देखिए ये घी जो है, मैंने टोटल 1/4 कप घी लिया है, 1/4 1/4 मैंने तीसरी बार लिया है, ये अभी घी बचा है। ज़रूरत लगेगी तो मैं उस आटे में इस घी को डालूँगी। अब इन सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट करके रखा है। ये देखिए ये इलायचियाँ हैं, मैंने इलायचियों को कूट लिया है। ये है जायफल जिसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। जायफल बहुत ही फ़ायदा करता है ठंडों के टाइम में, तो आधे जायफल को मैं घिस देती हूँ। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इधर मेरी खसखस भी भुन चुकी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए जो बचा हुआ घी था वो मैंने इस आटे के अंदर डाल दिया है, मतलब कुल मिला के पूरी बर्फी में 1/4 कप घी लग चुका है। आटे का कलर भी बहुत ही सुंदर आ गया है और घी भी अब निकलने लगा है। अब इसमें मैं इलायची पाउडर, जायफल और ये खसखस डाल देती हूँ। इस गोले की जो स्लाइस हैं इसे मैं अलग रख रही हूँ, बाकी ये जो गोंद है इसे मैं कूट लेती हूँ। इस तरीके से गोंद को कूट कर ही डालिए, ड्राई फ्रूट है उसे आप बारीक बारीक काट कर ही डालें। इसी तरीके से मिलती जुलती मैंने आटे की पहले भी एक मिठाई डाली है, जिसे हमारे यहाँ की स्पेशल मिठाई होती है जिसे हम खुराक कहते हैं, वो मैंने चीनी से बनाई थी और थोड़ी सी रेसिपी वो अलग है, तो उसे भी आप देखना चाहें तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, वो आपको बेहद पसंद आएगी। हाँ देखिए आटे को मैंने गैस से उतार दिया है। ये है मेरे पास 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, आपके पास ना हो तो ना भी डालें। ये 4 चम्मच मैंने डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर रहे हैं। बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा, जो भी खाएगा आपसे पूछेगा कि इस बर्फी के अंदर आपने क्या डाला हुआ है। इसे आप इसमें डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मिल्क केक की तरह ये फ्लेवर देगा। पहले भी मैंने आपको मिल्क केक आटे का कैसे बनता है एक रेसिपी दी हुई है, आपने पसंद भी बहुत की है, तो इसमें अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप ज़रूर डालिए। यकीन मानिए इसका स्वाद बिल्कुल आटे का तो आएगा ही नहीं, ऐसे लगेगा इसके अंदर हमने काफ़ी सारा मावा डाला हुआ है। अब ये मैं गुड़ डाल रही हूँ जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। गुड़ को आप बहुत अच्छे से मिक्स करें, कहीं कहीं गुठले हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दें। ये सब आप गरम गरम में ही डालें, और अगर मिक्स नहीं हो रहा है तो इस तरीके से दबा दबा कर गुड़ को मिक्स करें, नहीं तो कहीं फीकी कहीं तो मीठी हो जाएगी बर्फी। ये बस मिक्स करने के बाद ड्राई फ्रूट और गोंद इसमें डाल दीजिए, और वो बीज जो हैं हमारे पास खरबूजे के वो भी डाल दीजिए। अब इन सब को मिक्स कर दीजिए। अब देखिए ये बहुत ही बढ़िया पंजीरी टाइप बन चुकी है। अब कई घरों में पंजीरी बहुत ही खुशी से खाते हैं, तो ये पंजीरी बनाकर रख लीजिए, जब मन करे कटोरी चम्मच से खा सकते हैं आप इसे। तो ये तो हो गए पंजीरी, अगर आप चाहें तो इसी को आप गरम गरम में बांधते जाइए तो वो हो जाते हैं लड्डू। पर अगर आपको बर्फी बनानी है तब आपको क्या करना होगा, एक ट्रे ले लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर फॉइल लगा के थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। अब मुझे बर्फी बनानी है, ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है पंजीरी सी, मैं इसे गैस पर रखकर थोड़ा सा गरम कर रही हूँ। गरम करने से ये मिश्रण देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, अगर आपका कभी सॉफ्ट ना हो तो 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। अब इस ट्रे में मैंने डाल दिए गोले के स्लाइस और बचे हुए थोड़े से बीज। अब इसे ट्रे में इस तरीके से डालते जाइए।
ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सेट हो चुकी है। कभी आपको जल्दी है तो थोड़ी देर आप फ्रिज में रख सकते हैं। वैसे मैंने इसे ठंड की वजह से बाहर ही रख दिया था। यहाँ देखिए जो नीचे से मैंने सजाया था ना, खरबूजे के बीज और गोले की स्लाइस, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। अब आप इसे कट करिए और इसके पीसेस कर दीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये बर्फी बनी है और इसे आप काफ़ी समय तक रख सकते हैं, इसका एंजॉय ले सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे हम बना कर रख लें, ख़राब होने का कोई चांस नहीं। दूध नहीं है, मावा नहीं है, कोई चाशनी नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बर्फी बन जाएगी। स्वादिष्ट इतनी है, जो खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। ये देखिए बर्फी, न इसमें दूध है, न मावा है, न ही मैंने कोई बनाई है चाशनी। क्या आपने इस तरीके की कोई बर्फी बनाई है? अगर बनाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।